हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी कौन समोसा। अगर आपको भी समोसा बनाना बहुत ही झंझट का काम लगता है तो इस तरीके से बनाइए समोसा। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा और बहुत ही आसानी से बन जाता है। जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा लिया है, उसमें अजवाइन डाला है, नमक डाला है। अजवाइन और नमक को मैदे में डाल के अब अच्छे से मिला लेंगे। मैदे में थोड़ी कलौंजी भी डाल दूंगी मैं। अब इसमें मोयन के लिए थोड़ा सा तेल डाल देंगे। मैदे में मैंने तेल अच्छे से मिला लिया है। अब इसको आटा गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। मैदे का टाइट आटा गूंद लेंगे हम। मैदे का आटा गूंद लिया है मैंने। अब इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। थोड़े से उबले हुए आलू लिए हैं मैंने, कद्दूकस कर लिए हैं, और लिए हैं मसाले में चिली फ्लेक्स, नमक, गरम मसाला, कटी हुई हरी मिर्च, इसको डाल दूंगी मैं। इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी। अब इसको अच्छे से मिला लूंगी मैं। अब इसमें 2 चम्मच अरारोट डाल दूंगी मैं। अब इसको मिला देंगे अच्छे से। अरारोट मिलाने से समोसे से आलू निकलेगा नहीं, इसलिए अरारोट डाल रही हूँ मैं इसमें। आलू और अरारोट मैंने अच्छे से मिला लिया है और 15 मिनट हो चुके हैं। आटा भी हमारा सेट हो चुका है। अब बड़ी सी लोई लेंगे। अब इसको बड़ी सी रोटी बना लेंगे। रोटी बड़ी सी बेल ली है मैंने, पतली पतली रोटी बेली, ज़्यादा मोटी नहीं करेंगे। बड़ी सी रोटी बेल ली है मैंने। अब इसमें आलू लगा देंगे और आलू को ऐसे पतला पतला करके फैला देंगे। पूरी रोटी पर आलू को फैलाएंगे। आलू को मैंने फैला लिया है। अब चाकू से इस तरीके से काटेंगे बीच में से। अब एक साइड से एक टुकड़े को इस तरीके से करेंगे, फोल्ड करते हुए जाएंगे, ऐसे कोन का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से बना लिया है मैंने। इसी तरीके से सारे बनाएंगे हम। एक और बना के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने 4 समोसे बना लिए हैं। इसी तरीके से और भी बना लेंगे हम। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। अब इसमें एक एक करके सारे समोसे डाल देंगे। तेल को हम ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, मीडियम आँच पर तलेंगे। जैसे समोसे तलते हैं उसी तरीके से कौन समोसे को भी इसी तरीके से तलेंगे। चम्मच की सहायता से हल्का हल्का इसको पलट देंगे। इसके ऊपर तेल डालेंगे। समोसे हमारे हल्के लाल हो चुके हैं। अब इनको ऐसे पलटते हुए पका लेंगे थोड़ी देर और। ये देखिए, हमारे समोसे अच्छे से लाल हो चुके हैं, अच्छे फ्राई हो चुके हैं हमारे समोसे। अब इनको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे समोसे तल लेंगे। ये लीजिए, हमारे समोसे तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खास्ता बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए, इस तरीके से बनाकर देखिए कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, समोसे कितने खास्ता और करारे बने हैं। मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, और आलू भी बाहर नहीं निकली है। इस तरीके से आप भी बनाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच करें।